स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन और डाउनलोडिंग की प्रोसेस दिखाने वाला हूं, जो कि बेसिक एनिमेशन के काम में आता है। आप सभी ने इस सॉफ्टवेयर के बारे में शायद सुना होगा, या जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए एक नई चीज होने वाली है। जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उस सॉफ्टवेयर का नाम है पाइवट एनिमेटर। जैसा कि मैंने बताया कि इस सॉफ्टवेयर का नाम है पाइवट एनिमेटर, तो इसके नाम में ही एनिमेटर वर्ड जुड़ा हुआ है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये एनिमेशन से रिलेटेड है, इस चीज का आपको इसके नाम से पता चल जाएगा। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप बेसिक एनिमेशन कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आपको सिर्फ दो ही तरह के शेप्स मिलते हैं, और उन दो शेप्स को मिला के ही आपको अपने फिगर्स को या ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना पड़ता है, जिनके थ्रू आप एनिमेशन बना सकते हैं। और वो जो शेप्स हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो शेप्स 2D शेप्स हैं, ठीक है। इसलिए इस सॉफ्टवेयर को 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। और वो शेप्स जो हैं वो है सर्कल और लाइन, वो दो शेप्स हैं जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हैं, और जिसके थ्रू इस सॉफ्टवेयर के अंदर फिगर्स को बनाया जाता है और एनिमेशन को क्रिएट करा जाता है इन दो शेप्स को यूज करके। तो चलिए हम देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, आपको एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और वहां पर आपको टाइप करना है पाइवट एनिमेटर। तो जैसे ही आप गूगल क्रोम के अंदर या किसी भी ब्राउजर के अंदर पाइवट एनिमेटर लिख के सर्च करेंगे, तो आपको इस तरह के कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको पाइवट एनिमेटर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, और उसी के नीचे आपको यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप इस पाइवट एनिमेटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से रीड कर सकते हैं कि इसका जो स्टेबल रिलीज है, जो लेटेस्ट रिलीज है, वो कब का है, और इसका जो फर्स्ट रिलीज था वो कौन सी डेट का था, इसके डेवलपर कौन है, ये किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। ये सारी बेसिक चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टेबल रिलीज है वो फरवरी 1, 2020 15 महीने पहले आया हुआ है, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन आपको जो मिलेगा वो 15 मंथ अगो का मिलेगा। तो आप जब इस डाउनलोड की लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पाइवट एनिमेटर को डाउनलोड करने के दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, डाउनलोड पाइवट एनिमेटर 4 जो इसका लेटेस्ट रिलीज है, और पाइवट एनिमेटर 2.2.7 जो इसका सबसे ज़्यादा यूज हुआ वर्जन है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है पाइवट एनिमेटर 4 इज द लेटेस्ट न्यू एंड इम्प्रूव वर्जन ऑफ द पाइवट एनिमेटर सॉफ्टवेयर, पाइवट एनिमेटर 2 इज द पॉपुलर ओरिजिनल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, इट डजंट हैव मेनी ऑफ द फीचर्स ऑफ द पाइवट एनिमेटर 4 बट इज इंक्लूडेड हेयर फॉर दोज हु आर मोर फेमिलियर विद द ओरिजिनल वर्जन। सो ये उनके लिए है जो पुराने वर्जन पे काम करते हैं, जिनको पुराने वर्जन पे काम करने में ज्यादा कंपेटेबिलिटी फील होती है, ठीक है। और ये नया वर्जन है, इसमें आपको कई सारे नए फीचर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पाइवट एनिमेटर 4 को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि हम लेटेस्ट वर्जन को ही इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम जब भी कोई काम करें तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर कर पाए और हमें नई चीज़ें भी मिले। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड पाइवट एनिमेटर 4 के ऊपर क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हैं ये डाउनलोड का जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो गया है। आपके सिस्टम में डाउनलोड हो सकता है किसी दूसरे तरीके से हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एडिशनल सॉफ्टवेयर का यूज़ करा हुआ है डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। सो आपके क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे नीचे की तरफ जहाँ पे स्टार्ट बटन है, यहाँ पे आपको डाउनलोड होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको डाउनलोड होता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही वो 100% हो जाए, ठीक है, सो आप उसके लोकेशन पर जाके उसको देख सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको किस तरह से देखना है कि आपका डाउनलोड हुआ पैकेज आपको आपके सिस्टम में कहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड हो गया है, छोटा सा ही सॉफ्टवेयर है। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ पे डाउनलोड हुआ है, तो आपके लिए मैं बता देता हूँ। आप ये जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपके जो भी डाउनलोड्स आपने करे हैं उनकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। सो इस तरह से आपको डाउनलोड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, सो वो जहाँ पर डाउनलोड हुआ है वो उस डायरेक्टरी, उस फोल्डर को डायरेक्टली ओपन कर देगा, ठीक है। तो मैंने ये जो सॉफ्टवेयर है ये एडिशनल डाउनलोडर के थ्रू डाउनलोड करा है, तो मुझे पता है वो कहाँ पे डाउनलोड हुआ है, सो मैं उस लोकेशन पे डायरेक्टली पहुँच रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने सिस्टम में देख सकते हैं, माय कंप्यूटर या दिस पीसी से जाकर आपको ये डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको आपका डाउनलोड हुआ पैकेज मिल जाएगा। मेरा जो डाउनलोड पैकेज है वो एक दूसरे फोल्डर के अंदर डाउनलोड हुआ है, सो मैंने उस फोल्डर को ओपन कर दिया है।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये जो exe फाइल है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसको हम इंस्टॉलर भी बोलते हैं, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है पाइवेट एनिमेटर वर्जन 4.exe। ठीक है, तो ये मेरा सेटअप यहाँ पे आ गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको डबल क्लिक करना है। मैं जैसे इसे डबल क्लिक करूंगा तो इस तरह का मैसेज मुझे दिखाई देगा, मुझे इस मैसेज के ऊपर यस करना है। अब यस करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है ताकि इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एक विंडो आ गया है, इस विंडो में आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे इंग्लिश जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, सो मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगा और ये एक नई विंडो हमारे सामने आ गई है और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस विल इंस्टॉल पाइवेट एनिमेटर ऑन योर कंप्यूटर, क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। सो नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। नाउ ये जो विंडो है यहाँ पे, ये एक एडिशनल सॉफ्टवेयर को साथ में इंस्टॉल करने के लिए आपसे पूछ रहे हैं। सो अगर आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना है तो आप डिक्लाइन कर सकते हैं, स्किप ऑल कर सकते हैं, और अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो मैं इसको डिक्लाइन कर देता हूँ। फिर ये एक और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं इसको भी डिक्लाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो दो एडिशनल सॉफ्टवेयर जो वो इंस्टॉल कर रहे थे इसके साथ, उसको मैंने डिक्लाइन कर दिया है। अब आपके सामने ये इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस थी ये रन हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पाइवेट एनिमेटर, क्लिक फिनिश टू प्रोसीड। और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन भी दिया हुआ है लॉन्च द एप्लीकेशन ऑन एग्जिट। तो जैसे ही आप इस विंडो को एग्जिट करेंगे एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगी। मैंने इसको फिनिश करा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइवेट एनिमेटर की जो स्क्रीन है वो लॉन्च हो गई है। ठीक है दोस्तों, सो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप पाइवेट एनिमेटर को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है कि हम इसे किस तरह से यूज करेंगे या इसके अंदर क्या फीचर होते हैं या किस तरह से हम एनिमेशन बना सकते हैं, वो आपको मैं अपने आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पाइवेट एनिमेटर का पूरा पैकेज बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैं पूरा एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ और उसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप पाइवेट एनिमेटर को कैसे यूज करना है, किस तरह से उसमें आप एनिमेशंस बना सकते हैं, किस तरह से आप नए डिजाइन्स बना सकते हैं, नए फिगर्स बना सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन को बनाने के लिए कौन से कंट्रोल्स आपको यूज करने हैं, क्या ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, सब मैं उस वीडियो के अंदर वन बाय वन करके आपको बताता जाऊंगा। सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जितना एडवांस हो सकता है मैं आपको अपने आने वाले वीडियोज में इस पाइवेट एनिमेटर के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं पाइवेट एनिमेटर से रिलेटेड, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको कुछ नया देखना है, कुछ नए सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, तो कमेंट सेक्शन में आके उस सॉफ्टवेयर के नाम या आपकी क्वेरी जो है उसे आप पोस्ट करिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वो भी आगे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ।